Assalamu alaikum dear students, Habib Niazi with O level physics is here. Last lecture mein humne padha tha, when a current carrying conductor is placed inside the magnetic field, a force will act on it. Wo force kitni lagti hai, uski direction kya hai, ye humne kal thoda sa discuss kiya tha last lecture mein. Aaj humne discuss karna hai कि जब एक करंट कैरियिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं. ऑब्वियसली जैसा हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली हाथों का खेल है, तो इसमें हम फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आज के लेक्चर में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. सो हैव अ लुक ऑन द लेक्चर. वेल डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस अरेंजमेंट को डिस्कस किया था. दिस इज अरेंजमेंट फॉर फाइंडिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरियिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. हम अपनी फाइंडिंग्स को, रिजल्ट्स को कंक्लूड करते हुए आगे चलते हैं. सबसे पहले हमने कहा व्हेन अ करंट इज पास थ्रू अ वायर, द वायर मूव्स अपवर्ड, a force is acting on the wire segment inside the magnetic field. जब इसको magnetic field में इस segment को रखा जाता है तो इधर force लगती है. आज हम देखेंगे कि force की direction इधर क्यों है, ये कैसे find की जाती है. When the direction of current is reverse, the wire moves downward. अगर हम इसी case में direction of current को reverse कर दें, वो कैसे रिवर्स होगी? अगर बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव को ऊपर कर दें, नेगेटिव को नीचे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी, तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी रिवर्स हो जाएगी. नंबर नेक्स्ट, अगर हम मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो भी जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. हम सम अप करते हैं, जब करंट कैरियिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है और फोर्स एक साइड पे लग गई. अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, और अगर मैग्नेटिक पोल्स की डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. व्हेन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आर इंक्रीज, द वायर एक्सपीरियंस अ लार्जर फोर्स. इसी केस को देखते हैं. अब इस अरेंजमेंट में फोर्स इस सेगमेंट के ऊपर इस तरफ लग रही है. अगर हम बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दें तो फोर्स उस साइड पे लगेगी. अगर हम मैग्नेट के पोल की डायरेक्शन को चेंज कर दें, नॉर्थ इधर और साउथ इधर कर दें, तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. फोर्स ज़्यादा होगी अगर करंट ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा होगी अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, फोर्स इस सेगमेंट पर लगने वाली ज़्यादा होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी. तो आज हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने का रूल पढ़ते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है देखते हैं. ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है. लेट सपोज ये एक कंडक्टर है, करंट कैरियिंग कंडक्टर, जिसके अंदर करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है. ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से किस तरफ है? साउथ पोल की तरफ है, ये बात कंफर्म होती है. अब फ्लेमिंग ने कहा कि सबसे पहले आप अपना लेफ्ट हैंड निकालें. आपने बच्चे अपना ही लेफ्ट हैंड निकालना है, ये लेफ्ट हैंड. जैसा कि मैंने कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो हाथों का खेल है. लेफ्ट हैंड, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फर्स्ट फिंगर इस डायरेक्शन में आ गई. अब सेकेंड डायरेक्शन शुड बी, सेकेंड फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट पे आ गई. तो स्ट्रेच थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इस अरेंजमेंट में इस कंडक्टर के ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो अपवर्ड है. ये याद रखिएगा कि फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट के परपेंडिकुलर लगती है 90 के एंगल पे.
और फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है 90 के एंगल पे। तो लेफ्ट हैंड रूल चेक करते हैं, प्लेस द फोर फिंगर सेकंड फिंगर एंड द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली एट राइट एंगल 90 के एंगल पे, ये तीनों स्ट्रेच करने हैं। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फोर फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में है, एंड सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सेकंड करंट में है, करंट की डायरेक्शन में है, ये देखें म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये स्ट्रेच थंब, द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मोशन, फोर्स और मोशन, यहां पे ये जो कंडक्टर है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। समटाइम्स जब बच्चे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो वो राइट हैंड स्ट्रेच कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड ही निकालना है अगर आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है तो। वैसे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के और भी बहुत से तरीके हैं जो हम कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारी बुक में चूंकि ये हमारे टॉपिक में, हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है तो हम इसको अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत आसान आसान तरीके भी मौजूद हैं। अगर आपको भूल जाए कि कौन सी फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, कौन सी फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करती है, और कौन सी फिंगर जो है वो फोर्स को शो करती है, तो आप सिंपल ये याद रखा करें, ये फर्स्ट फिंगर है तो इसको फील्ड से ऐसे याद रखें, पहले यही स्ट्रेच की जाती है, ये सेकंड फिंगर है, सेकंड करंट ऐसे याद रखें, और थंब थर्स्ट से भी याद रखा जा सकता है, थर्स्ट फोर्स को कहते हैं, और मोशन से भी याद रखा जा सकता है कि इस डायरेक्शन में फोर्स होगी या मोशन होगा। यहाँ पे राइट हैंड लिखा गया है, ये लेफ्ट हैंड ही है, आप लेफ्ट हैंड को ही ऐसे यूज कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के लिए आपने ये स्लाइड सिर्फ इसलिए है कि आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए फिंगर्स याद कर लें कि कौन सी फिंगर किस चीज को शो करती है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अब अप्लाई करते हैं, दोबारा आपने देख लिया कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में तीनों फिंगर्स जो हैं, यानी फोर फिंगर और सेकंड फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच होने चाहिए। अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने कैम्ब्रिज के क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चन है, नॉर्थ पोल इस तरफ है, साउथ पोल इस तरफ है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ पोल से चलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं, ये बात डन हो गई। अब मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के जरिए इसकी डायरेक्शन निकालता हूं। लुक, लेफ्ट हैंड निकाल लिया, फोर फिंगर है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर है सेकेंड, करंट कहां से कहां जा रहा है देखते हैं। अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस बिटवीन पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, इन विच डायरेक्शन विल द फोर्स ड्यू टू करंट ट्राई टू मूव द वायर, किस डायरेक्शन में करेगा, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, ये आ रही है ऐसे। लुक, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, स्ट्रेच किया मैंने म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो थंब मेरा फोर्स को शो कर रहा है, तो थंब बताएं कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ए बे, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए ट्रू होगी, ऑप्शन ए ट्रू है। इस तरह आप मैक्सिमम एग्जाम्पल लेकर अपने हाथ से, लेफ्ट हैंड से उसको प्रैक्टिस करें और बार बार आंसर चेक करें कि आप ठीक कर रहे हैं कि रॉन्ग कर रहे हैं। इसमें देखें जी, एन ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी करंट कहते हैं, जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है अप एंड डाउन, जबकि डायरेक्ट करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखें डायरेक्ट करंट थी, डीसी थी, और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कोई करंट हमें स्पेसिफाई ना किया गया हो तो हम उसको डायरेक्ट करंट ही कंसिडर करते हैं, और हम लोग कन्वेंशनल करंट कंसिडर करते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसी का क्वेश्चन है,
तो ऑब्वियसली एसी ऐसे ऐसे चलती है अप एंड डाउन, तो मोशन भी वायर के अंदर अप एंड डाउन ही आनी है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है हमने, और हमने देखना है कि फोर्स कैसे लगेगी, किस साइड से लगेगी और इसमें कैसे रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। लेफ्ट हैंड रूल अगेन, जैसे कि मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसका खेल है, हाथों का। अभी हम लेफ्ट हैंड यूज करेंगे तो नेक्स्ट जाके हम राइट हैंड भी यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर होती है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट ऊपर जा रही है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देन स्ट्रेच थंब एट 90 एंगल विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स एक्स से लगेगी और उसको वाई की तरफ रोटेट करके लेके जाएगी। जी आप देखें कि कौन सा आंसर ठीक है, लास्ट वाला डी ऑप्शन, कि एक्स से स्टार्ट होगी फोर्स, उसको रोटेट कराएगी वाई की तरफ। इसमें देखें जी, एक हॉर्स शू मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, नॉर्थ पोल इस तरफ है, साउथ पोल इस तरफ है, इसमें कॉपर वायर रखी गई है। कॉपर वायर के अंदर देखते हैं क्या क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक हो गया। द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, ठीक हो गया। एक दफा एक साइड पे फोर्स लगेगी तो दूसरी दफा साइड चेंज हो जाएगी, ऑब्वियसली इसका मतलब यह है कि दो साइड पे फोर्स लगेगी, या इस साइड पे लगेगी या इस साइड पे लगेगी, डायरेक्शन हमें शो नहीं की गई। द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी चेंज, लो इसको भी इधर किया जा सकता है और इसको भी इधर किया जा सकता है। इन हाउ मेनी ऑफ द फोर डायरेक्शंस शोन कैन फेस फोर्स, द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। हमने अपने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था कि अगर तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी चेंज हो जाएगी। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, चाहे आप मैग्नेट चेंज कर दें तो भी टू ही डायरेक्शन ऑपोजिट में मूव करेगी। तो इसका आंसर जो है वो टू ही ठीक है। अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें तो फोर्स की डायरेक्शन, लेट सपोज पहले डायरेक्शन इधर थी, करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उधर हो जाएगी। सपोज पहले डायरेक्शन इधर थी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन उधर हो जाएगी। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। आज के लेक्चर में हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस तरह अप्लाई होता है। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में कौन सी फिंगर किस चीज़ को डिनोट करती है ये याद रखें। थैंक यू वेरी मच।